अन्ना की उम्र 44 साल है, पर अन्ना आज भी उतने ही चुस्त दुरुस्त हैं। तो आइए सुनते हैं अन्ना से उनके फिटनेस का राज। रेगुलर फिटनेस भी करते, वो डाइट के लिए भी नहीं है, रेगुलर भी ग्राउंड में टच में रहते, प्रैक्टिस करते नहीं करते अलग बात है। वो फिटनेस तो सुबह कंपलसरी उठना, रनिंग करना, थोड़ा जिम करना करके कंपलसरी। वो अभी बहुत प्लेयर क्या करते, अभी हो गया सीजन हो गया और जाके रेस्ट ले लेंगे करके ऐसे रेस्ट लेते, बाद में सीजन शुरू होने के पहले एक महीना आके करके फिट हो जाएंगे करके आते। मैं ऐसा नहीं रहते, रेगुलर फिटनेस करते, इसलिए वो इतना लंबा सीजन खेल रहे। हाथ से पैर तक पूरा सभी जगह इम्पोर्टेंट फिटनेस करना पड़ेगा। अभी हाथ के लिए भी अपटम भी ज़्यादा फिटनेस होना चाहिए, पैर का सभी एंगल का सभी का फिटनेस बहुत जरूर है। कोई बोलते जिम किया तो कबड्डी नहीं खेल सकते करके, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। रनिंग भी स्पीड के लिए रनिंग जरूर है, फुल पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए भी जिम भी जरूर है, दोनों करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो कंपलसरी करना पड़ेगा, ऐसे सब कुछ जरूर है फिटनेस। जूनियर प्लेयर आ रहे मैं और बहुत टाइम है करके ऐसे लीक्स हो गया, कदम हो गया, टूर्नामेंट कदम हो गया, बाद में जाके रेस्ट लेते, एक महीना रेस्ट ले लेंगे बाद में शुरू करेंगे करके ऐसे। वो एक महीना रेस्ट लेने के बाद मन क्या हो बोलते, ठीक है और टाइम है करके बोलते, ऐसा नहीं रहना चाहिए, रेगुलर फिटनेस होना चाहिए। वो रेगुलर फिटनेस किया तो वो लंबा सीजन लंबा भी खेल सकते। वो एक महीना फिटनेस करके एक महीना खेल के बाद में रेस्ट लिया तो भी बॉडी थोड़ा उम्र में ठीक है, अच्छा रहते, थोड़ा उम्र बढ़ने के टाइम वो अलग दिखते हैं, वो मूवमेंट स्किल वगैरह मूवमेंट्स वो स्पीड कम हो जाते हैं, वो आना इंजरीज भी होने का चांसेस ज़्यादा है। अब आइए सुनते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के कोच श्री अयूब रेड्डी से और साउथ सेंट्रल रेलवे के सेक्रेटरी श्री एके सिंह सर से कि उनकी क्या राय है अन्ना के बारे में। धर्मराज सरलादन 22 इयर्स से खेल रहे, सेम परफॉर्मेंस मेंटेन कर रहे, वो ग्रेट एफर्ट्स है। उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट से वर्कआउट करते, स्किल प्रैक्टिस करते, टाइम स्पेयर करते। उन्होंने प्लेयर आए तो परवाह नहीं, नया है तो ओके, कोच है तो परवाह नहीं, कोच नया है तो उन्होंने रेगुलर ग्राउंड मेंटेन करते 365 डेज। इंडियन रेलवे के लिए ये ग्रेट अच्छा प्लेयर बोलते, साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए बहुत सर्विस किया, वो कंटिन्यू 20 इयर्स इंडियन रेलवे रिप्रेजेंट कोई अभी तक नहीं खेला। और एक बात है, इनका मेन पॉइंट बोले तो फर्स्ट उन्होंने 96 में फेडरेशन कप तमिलनाडु से खेला, धर्म राजा रत्नम, ये ग्रेट लेजेंड कबड्डी में राजा रत्नम के साथ मिलके खेला। बाद में इंडिया में टॉप प्लेयर बीसी रमेश, वन्नप्पा गौड, संजीव कुमार, राकेश, मंजीत चिल्लर, एक एक जनरेशन से खेल के 20 साल निकल के गए। अभी प्रो कबड्डी में स्टार रेडर प्रदीप नरवाल उनके साथ भी खेल रहे। इतना लॉन्ग कैरियर मेंटेन करना रियली रियली ग्रेट, रेयर
प्लेयर बोल सकते, ये धर्मनाथ सरलाधन नया प्लेयर्स के लिए एक रोल मॉडल, इंडिया में एक देशी प्लेयर, क्या स्ट्रांग प्लेयर, बहुत मेडल्स दे दिया, वर्ल्ड कप खेला, सैफ गेम्स खेला, इंटरनेशनल मैचेस खेला और साउथ सेंट्रल के लिए बहुत मैचेस टाई ब्रेकर में भी जीता दिया, इतना कॉन्फिडेंस, इतना उनका मैच में नॉलेज, इंटेलिजेंट गेम, एवरी सिचुएशन उन्होंने असेस करते, एवरी मूवमेंट उन्होंने गेस करते, अपोनेंट टीम को उन्होंने प्लानिंग कैसा करना, क्या करना, ऑफेंस में डिफेंस में कौन स्ट्रांग प्लेयर कौन वीक प्लेयर, उन्होंने प्लान करके मैच इजी निकलते। उन्होंने धर्मराज सरलाधन अभी कबड्डी में फ्यूचर प्लेयर के लिए एक रोल मॉडल बोल सकते, ये उन्होंने और आने का साल भी अच्छा मेंटेन करना, अच्छा परफॉर्मेंस देना बोल के मैं कोच मेरा तरफ से अच्छा विशेष दे रहा हूँ। और कोई भी गेम मिस नहीं करते हैं, और अभी जो आपका ये कबड्डी प्रीमियर लीग चल रहा है, आप देख लीजिए जब से शुरू हुआ है तब से किसी न किसी टीम में है, और अभी ये दो चार साल और रहेंगे टीम में, ऐसी इनकी परफॉर्मेंस है, तो बस खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, हम लोग इनका अच्छा खेल देखते रहे, इनको प्रोत्साहित करते रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अड्डा, और लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस कीजिए।